अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया, 8 कर लिया, 9 कर लिया, 10 होमवर्क था, वैसे 7, 8, 9 होमवर्क था, बट हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया और यहाँ काम खत्म है। एंड 10th वाला भी तुम लोगों ने बैलेंस शीट फ्रेम कर लिया। तो अभी तक एक बार यदि मैं देखूं तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले हम लोग को परसेंटेज ऑफ होल्डिंग देखना है पेरेंट कंपनी और माइनॉरिटी का। सेकंड, एक स्टेप बताया था, वर्किंग नोट्स बनाना सिखाया कि कैसे वर्किंग नोट्स बनाना है। जब भी बैलेंस शीट का क्वेश्चन आएगा, देयर आर सर्टेन 5 वर्किंग नोट्स जो हमेशा अपने को बना लेना चाहिए, ठीक है। वो 5 वर्किंग नोट्स कौन से थे, इस तरीके से, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकाल लो, दूसरा नेटवर्थ निकाल लो सब्सिडियरी कंपनी का ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, देन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट कर लो, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कितना बैलेंस शीट में शो होगा, एंड होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस जो हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे वो कैसे होगा, कितना होगा। ये 5 वर्किंग नोट्स तो आपका हमेशा बनना ही चाहिए। इज इट क्लियर? तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया, अभी ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत पेचीदा चीज बचा नहीं है। एक आपको डिविडेंड वाला पॉइंट क्लियर है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट वाला पॉइंट क्लियर है, ठीक है, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कैसे निकाल रहे हो वो सारा चीज क्लियर है, ठीक है, गुडविल कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आइटम्स बचे ही नहीं है इस चैप्टर के अंदर में जो बैलेंस शीट में दिखता है। अब देखो क्या क्या चाहिए था, ये चाहिए था नंबर वन, पॉइंट नंबर वन में हमने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग की बात कर ली, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब नेटवर्थ, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस या फिर टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज करके निकालते थे अपन। जब भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे इट विल बी कैलकुलेटेड कंसिडरिंग द मार्केट वैल्यूज, रीवैल्यूड फिगर, मार्केट वैल्यूज जो भी होगा उन सबको अपन कंसिडर करेंगे। देन थर्ड मैंने बोला था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल लो। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकलता है, मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट उसमें से कोई भी कैपिटल प्रॉफिट हुआ है तो वो माइनस कर दो तो आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट, उसमें से जितना नेट एसेट हम लोग एक्वायर कर रहे हैं यानी जितना पेरेंट कंपनी का परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है उतना माइनस करेंगे तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। फिर माइनॉरिटी होल्डिंग में 3 चीज होता है, एक तो उसको शेयर कैपिटल का हिस्सा मिलता है, दूसरा प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस में जो जो आइटम्स थे उन सबको मिलेगा, एंड तीसरा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस में जितने हैं उन सब में उसको उसका हिस्सा मिलेगा, दैट इज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्लियर है? फिर ये पॉइंट कर लिया था, इफ लॉसेस आर ग्रेटर देन माइनॉरिटी होल्डिंग इट इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू द माइनॉरिटी शेयर, एक्सेस लॉस इज बॉर्न बाय होल्डिंग कंपनी एंड लेटर ऑन इन केस ऑफ प्रॉफिट लॉसेस बॉर्न बाय होल्डिंग कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ माइनॉरिटी इज फर्स्ट एडजस्टेड। ये वाला पॉइंट में कोई दिक्कत है? ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड दिखा था, ठीक है, हमने जो क्वेश्चंस किया था उसमें क्या था, अजम्पशन था कि हम लोग डिविडेंड कौन सा पैसा से दे रहे हैं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है या फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। इफ आप प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस से डिविडेंड देते हैं देन इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट व्हाटएवर द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय द होल्डिंग कंपनी इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। गलती से यदि आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में काउंट कर लिया है तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा, वापस प्रॉफिट एंड लॉस कम करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इफ गलती से आपने उसको रेवेन्यू प्रॉफिट ट्रीट कर लिया है, होल्डिंग कंपनी ने गलती से क्या कर लिया, अपना प्रॉफिट एंड लॉस इंक्रीज कर दिया, इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू उन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस इंक्रीज कर लिया, अब तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट को कम। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री में। और बोला कि पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस से इफ आप रेवेन्यू प्रॉफिट्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो देन इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू प्रॉफिट एंड उसको हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं, ना कि हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, वहां से एडजस्ट नहीं होगा, रेवेन्यू प्रॉफिट्स का कोई लेना देना नहीं है मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू से। क्लियर है? उसके बाद में आप देखो नया टॉपिक, फिर एक नंबर 8 देख लो एक बार, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम लोग ऑलरेडी कर चुका, क्या करना पड़ता है हम लोग को,
रिजर्व एंड सरप्लस रीएडजस्ट करना पड़ता है। क्यों रीएडजस्ट करना पड़ता है? क्योंकि रिवैल्यूएशन का कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस तो होगा, उस प्रॉफिट लॉस से मेरा रिजर्व एंड सरप्लस इंपैक्ट होता है। सेकेंडली हमें डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट करना होता है, और पहले जो कैलकुलेट कर रखा है और अभी जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें डिफरेंस जो होता है उसको या तो शॉर्ट डेप्रिसिएशन होगा या फिर एक्सेस डेप्रिसिएशन होगा, उसको हम लोग को ट्रीटमेंट करना होता है करंट ईयर के प्रॉफिट के साथ में। एंड अल्टीमेटली क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी उसका इम्पैक्ट जाएगा, उस एसेट का वैल्यू या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। ये था मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब देखो बोनस इशू, बोनस इशू भी एक तरह से डिविडेंड। बोनस क्या होता है? फोकट में देना। क्या होगा? कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं और प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है बोनस देने से। बोनस देने से शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाएगा। इफ बोनस आपने प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस से दिया है, देन इट विल बी अगेन ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट एंड उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम करते हैं। यदि आपने पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस से दिया है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू प्रॉफिट। The bonus is considered as a part of cost of control and minority interest. Bonus को तो cost of control में count करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि number of shares increase हो रहे हैं। यानी मैंने, मेरे पास यदि 10,000 रुपए लगा के मैंने 5,000 शेयर खरीदा था और कंपनी ने 1,000 शेयर्स बोनस दे दिए, तो मैं क्या बोलूंगा? 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करके मैंने 6,000 शेयर्स परचेज किए, 5,000 तो खरीदे ही थे और कंपनी 1,000 मुझे फ्री में बोनस दे रही है, तो फायदा ही है ना। तो वो मेरा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट होने में काम में आता है बोनस, ठीक है। तो ये बोनस का पॉइंट लिख के रखो, इससे पहले भी एक चीज लिखा था ना, बोनस का पॉइंट लिखो और इसके ऊपर अपन अभी क्वेश्चन देखेगा, क्योंकि एक बार ये समझ में आ गया बोनस वाला, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। 9, 10, 11 सब बहुत ईजी है। 11 हो चुका, 9 और 10 ये दो पॉइंट बचे हैं जिसमें मेजर पॉइंट है पॉइंट नंबर 9। म्यूचुअल होल्डिंग्स भी खतरनाक नहीं है, एकदम इजी है, वो तो जस्ट कैंसिल हो जाएगा आपस में। होल्डिंग कंपनी बोलेगा मेरे को तेरे से पैसा लेना है, सब्सिडियरी कंपनी बोलेगा मेरे को देना है, तो जितना लेना देना है एक बार एक ही घर में आ गए, उसके बाद क्या है, कैंसिल। बताया था ना रिलेशनशिप में है जब तक तो ठीक है, शादी हो गया उसके बाद कौन सा लेना और देना, सबको स्क्वायर ऑफ करो। हाँ तो क्या होता है, एनिवर्सरी आता है तो उसमें वो तो मन खुश करने के लिए, वैसे थोड़ी ना। एंड जो मैंने ये एक पेज में लिख के रखा ना, दिस इज द समरी ऑफ कंसोलिडेशन, इससे ज्यादा कंसोलिडेशन है ही नहीं। कंसोलिडेशन दो पेज के अंदर खत्म हो जाता है और एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट कंसोलिडेशन में नहीं आता है बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू। हम इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चंस करेंगे, पास्ट पेपर्स के भी करेंगे, देख लेना कुछ नहीं आता है इसके बाहर। क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, बोनस इशू इज अ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ऐसे तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, बट जब अलग अलग इंसान, एक होल्डिंग है और एक माइनॉरिटी है, तो अब इम्पैक्ट होगा। तुम सब्सिडियरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, तुम सोचो जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने अंदर कंपाइल करेगा तब तो उसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सीओसी बदल जाएगा यानी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बदल जाएगा। अभी बताया ना कैसे बदलेगा, कि क्वेश्चन के साथ समझाता हूँ वरना फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इतना पार्ट लिखा नंबर 7, जो लोग लिख चुका है वो लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 छोड़ के रखा था हमने।
चलिए नंबर सिक्स में मैं सेवन एट नाइन को टिक मार रहा हूं. एट इज डन, नाइन इज ऑल्सो डन. हेलो, कौन बोल रहे? हेलो, कौन बोल रहे? अच्छा भाभी बोलिए. बोनस इशू का बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड अभी तक पिछला कुछ अटेम्प्ट से बोनस इशू टारगेट नहीं किया गया कंसोलिडेशन का चैप्टर में से, तो आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है इस पॉइंट, ये ध्यान रखना. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शायद यही ऐसा ही क्वेश्चन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जिसमें पॉइंट्स ज्यादा है नहीं, एक दो पॉइंट ऐड कर दिया जाएगा. ठीक है, एक दो पॉइंट ऐड करके इसी क्वेश्चन को बना दिया जाए, आपका 15 मार्क का क्वेश्चन या फिर 20 मार्क का क्वेश्चन या फिर 12 मार्क का क्वेश्चन इस टाइप का. ठीक है, तो देखो क्या बोला. ऑन 31st of March 2011 पी लिमिटेड एक्वायर्ड 1,05,000 शेयर्स ऑफ क्यू लिमिटेड फॉर 12 लाख. यानी आई कैन से माय ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज 12 लाख. मुझे बस इंफॉर्मेशन ब्रेक करना सीखना है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते. इस चैप्टर के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर करो और उसका क्वेश्चन जो आता है उसमें निकालना क्या क्या होता है, वो जो टर्मिनोलॉजी है वो यदि पढ़ते 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 तुम अलग 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 लिखना शुरू कर दो ना, चैप्टर ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा. अब मुझे पता है कि ये क्या है, 12 लाख क्या है, इसको मैं टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बोलू, लेमेन में बोलू तो क्या बोलू कि 1,05,000 शेयर्स क्यू लिमिटेड का खरीदने के लिए मैंने 12 लाख इन्वेस्ट किया. मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ दिस इज माई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. जब आई से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तब कभी भी कहीं पे भी अब कैपिटल प्रॉफिट आएगा तो मेरे दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि वहां ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिखा था उसमें से माइनस करना है. तो वो टर्मिनोलॉजी पढ़ते पढ़ते बोला करो और साइड में लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं. बिकॉज एग्जाम में ये कोई 4-5 मार्क का क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि बहुत हड़बड़ी में करना है. अब 15 मार्क का क्वेश्चन तो टाइम तो देंगे ना थोड़ा सा, तो क्वेश्चन रीड करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो, 2 मिनट एक्स्ट्रा दो, अपने आप सॉल्यूशन जल्दी होगा और करेक्ट होने से कॉन्फिडेंस आता है. तो यहाँ पे 12 लाख मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, अपन लिख के रखते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है 12 लाख. ये मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन है. द पोजिशन ऑफ क्यू लिमिटेड ऑन दैट डेट वाज अंडर, जिस दिन हमने एक्वायर किया था, जिस दिन एक्वायर किया था उस दिन का बात बता रहा है. यानी देखो ये 31st March 2011 उस दिन का कंडीशन बता रहा है. उस दिन उसका कंडीशन ये था, शेयर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल 1,50,000 इक्विटी शेयर्स थे. ये किसका कंडीशन बता रहा है, ये क्यू लिमिटेड का कंडीशन है ना. 1,50,000 उसमें से 1,05,000 तो हमने ले लिए, तो मेरा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकल गया. राइट, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग की बात करें तो पी लिमिटेड के पास कितना है और माइनॉरिटी के पास, ये तो समझ में आता है. यहां से ये इंफॉर्मेशन मिल गया. उस दिन नेटवर्थ ऑफ द क्यू लिमिटेड क्या हो गया, बोलो 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 बोलो. यस, 15,90,000 ये मेरा नेटवर्थ है. नेटवर्थ कितना है उस दिन का, 15,90,000 इज द नेटवर्थ. चाहो तो टोटल ऑफ एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज करके देख लो. कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले कोई प्रॉफिट था क्यू लिमिटेड के बुक्स में, ऑलरेडी पड़ा है. अभी भी अलग से नाम दे दिया तो बस कंफ्यूज करने के लिए, ऐसा लगता है यही तो सिर्फ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा. ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं. मुझे लेना देना ही नहीं, मुझे इतना क्लैरिटी होना चाहिए कि जिस दिन एक्विजिशन हो रहा है, होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप बन रहा है, उस दिन कंपनी का नेटवर्थ कितना है सब्सिडियरी का, वो जानना है. ठीक है, तो नेटवर्थ है 15,90,000. ये कहानी क्लियर है. अब 15,90,000 में
कुछ मिलेगा पी लिमिटेड को और कुछ जाएगा माइनॉरिटी के खाते में। 15,90,000 का 70% आपको क्या लगता है किसको मिल जाएगा? 11,13,000, दिस इज द नेट एसेट एक्वायर्ड आई कैन से, और बाकी माइनॉरिटी में मिलेगा 4,77,000। तो एज पर द फर्स्ट पैरा ऑफ द क्वेश्चन आई कैन से दैट अवर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वाज कितना? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वाज 12 लाख एंड नेट एसेट एक्वायर्ड क्या करते हो सब कुछ तो लिख दिया 11,13,000। 12 लाख का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और उसके बदले में नेट एसेट्स एक्वायर्ड है 11,13,000, तो क्या आ रहा है? नेट एसेट गुडविल कितना? अभी तक अपेरेंटली तो यही लग रहा है, आगे का कहानी पता नहीं, आगे का कहानी देखते जाएंगे। P Limited and Q Limited give the following information on 31st March 13. अब देखो 31st March 13 दो साल के बाद का, यानी ये सारा डेटा पोस्ट एक्विजिशन, सारा डेटा पोस्ट एक्विजिशन है ना। मैं फोकस करता हूँ सब्सिडियरी पे। सब्सिडियरी कंपनी जिस दिन खरीदा था उस दिन शेयर्स थे उसके 1,50,000। अभी उसका शेयर कैपिटल कितना आ रहा है? 1,50,000 आ रहा है, क्योंकि ये बिफोर बोनस इश्यू लिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं आगे जाके ये बोनस इश्यू के बारे में कुछ बोलेगा। इसमें बोनस इश्यू वाला पार्ट नहीं है, बाकी ठीक है। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट अभी भी आ रहा है। देखो अब देखो बांटना है 31st March 11, उसको दो दिन, दो चीज था उस दिन मेरे पास। एक पीएल का बैलेंस था 60,000 और एक प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट था हमारे पास 30,000 का। क्लियर है? ये दो चीज थी मेरे पास। यहां से हम आगे जब गए तो हम पहुंचे 31st March 13 को। इस दिन हमारे पास Q लिमिटेड के अंदर, हम सिर्फ सब्सिडियरी की बात करते हैं क्योंकि होल्डिंग का डेटा तो मेरे को कंसोलिडेशन में काम आएगा, एडजस्टमेंट जो कुछ भी करना है वो तो सब्सिडियरी के डेटा से करना है। तो यहाँ पे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कितना है अभी भी, यानी जितना था उतना ही है और उसको हम पहले ही कंसिडर कर चुके हैं, यानी ड्यूरिंग दिस टू ईयर्स इसमें कोई फर्क आया ही नहीं है। देयर इज नो रेवेन्यू प्रॉफिट रिगार्डिंग दिस। आगे जाके क्या बोला? जनरल रिजर्व तो था नहीं, आया कहां से भाई? कहीं से तो आया होगा। जनरल रिजर्व 19,05,000। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 4,20,000। बाकी तो कोई काम का है नहीं, मेरे को लेना देना नहीं है, बात का बाद में देखेंगे। इन्वेस्टमेंट ये तो था ही, हमें पता ही है 12,00,000 रुपए तो पहले ही बोला था क्वेश्चन ने। तो एक चीज देखो, प्री इनकॉर्पोरेशन 30 था, दो साल के बाद भी 30 है, यानी इसमें नो इंपैक्ट, सारा प्री एक्विजिशन पीरियड का ही है। प्रॉफिट एंड लॉस 60 का 4,20,000 हो गया, मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड आपने प्रॉफिट तो कमाया है। कितना प्रॉफिट कमाया है? 3,60,000 प्लस जनरल रिजर्व पहले था क्या? तो भी तो कमाया ही होगा आपने, तभी तो जनरल रिजर्व बना है आपके पास में 19,05,000। ये कहानी समझ में आता है? यानी ये सारा मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट ही है 22,65,000। ये सारा मिनिमम समझ में आ रहा है? हाँ भैया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन का कहानी क्या बोल रहे हैं। डायरेक्टर्स ऑफ क्यू लिमिटेड मेड बोनस इश्यू
on 31st of March 2013 in the ratio of one equity shares of rupees 10 each, fully paid up for every two equity shares held on that date. ये क्या बोल दिया भाई जी? Bonus shares were issued out of post acquisition profit by using general reserve. Post acquisition profit by using general reserve. तो ऐसा कुछ general reserve था क्या? अरे अभी आया है, ये तो 31 मार्च 13 को बोल रहा है. और acquisition कब हुआ है? 31 मार्च 11 को. उस दिन का डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे पास था कहाँ जनरल रिजर्व? उस दिन के हिसाब से तो था ही नहीं. बस क्वेश्चन बोल रहे हैं, पोस्ट एक्विजिशन से बोल रहे हैं, यानी यहां से हम यूज कर रहे हैं. अब बोनस शेयर्स दे कितना रहे हो, सबसे बड़ी बात है. क्योंकि कितने नंबर ऑफ शेयर्स है इसके पास में, क्यू लिमिटेड के पास 150,000 शेयर्स है. और क्या बोला, फॉर एवरी टू एक इक्विटी शेयर्स मिलेगा. देयरफॉर बोनस शेयर्स कितना हो गया? बोनस शेयर 75,000. ये तो इन नंबर हो गया, और इन रुपीस का बात करें तो 7,50,000. ठीक है, अब आगे क्वेश्चन ने क्या क्या मांगा. Before issue of bonus, मतलब normal question. Before issue of bonus, आप लोग cost of control निकालो और capital reserve निकालो, minority interest निकालो, सब कुछ निकालो. Consolidated profit and loss in each of the following cases. ठीक है, before issue of bonus share, before issue में देखो आधा से ज्यादा चीज तो निकल चुका है. क्या क्या निकल चुका है before issue of bonus shares में? तुम्हारे पास में नेटवर्थ निकल चुका था, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आ चुका 87,000. क्वेश्चन ने क्या क्या मांगा था, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कैपिटल रिजर्व? फिर माइनॉरिटी होल्डिंग, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आएगा? देखो यहाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल रहा हूं मैं, बिफोर इश्यू सॉल्व कर रहा हूं अभी. एक तो शेयर कैपिटल का हिस्सा मिलेगा उसको, कितना था नेटवर्थ, नेटवर्थ का मेरा था ना 4,77,000. 477 तो हम दे ही चुके थे. ये देखो नेटवर्थ निकाला था, नेटवर्थ का 30% दे दिया ना. एंड नेटवर्थ मीन शेयर कैपिटल एंड प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस. अब क्या देना है, सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस का 30% देना है उसको. और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस है कितना, 22,65,000. है या नहीं है? अरे ये रहा, ये यही तो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस है. अरे हम बोनस दे नहीं रहे ना अभी, बिफोर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स निकाल रहे हैं. तो इसमें और कितना ऐड हो जाएगा, 679,500. तो माइनॉरिटी होल्डिंग्स कितना, 6,4,10,11,56,500 रुपए. अरे यहाँ पे एक्विजिशन, उसके बाद जो भी कमाया वो रेवेन्यू है. कितना कमाया ये निकाला था हमने, तो ये रेवेन्यू का 70% तो किसके पास जाएगा, होल्डिंग, और 30% माइनॉरिटी, तो वही तो दिया 30%. और उससे पहले जितना कुछ भी था वो तो यहाँ आ चुका ना इसके अंदर.
इसी में 477 में तो है शेयर कैपिटल, ये देखो इधर 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 ये रहा, ये तीनों ऐड करके ही तो ये आया था। बोनस की बात में तो अभी तो हम बिफोर इश्यू कर रहे हैं, पार्ट वन कर रहे हैं हम, पार्ट टू तो कर ही नहीं रहे, हम तो बिफोर इश्यू कर रहे हैं। अब होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिखाएगा, आराम समझ लो, अभी मैं प्रेजेंटेशन बता दूंगा, मेरे को देख लो बस फिगर्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, करना कोई जरूरी नहीं, मैं बता दूंगा कैसे कैसे कहाँ से लिखना है, किस तरीके से लिखना है। अब और एक चीज पूछा था, ये हो गया, ये हो गया, ये निकालना है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होल्डिंग कंपनी अपने बुक्स में कितना दिखाएगा ईयर एंड में। तो एच लिमिटेड का खुद का प्रॉफिट लॉस है कितना, ये है और ये है, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, एक तो 60 लाख, एक 15,75,000, ये तो आएगा आएगा, प्लस सब्सिडियरी कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है वो भी इसी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और रेवेन्यू प्रॉफिट्स है कितना, 22,65,000, उसका 70%, 15,85,500, 15,85,500। तो इसको टोटल करोगे तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया 60 लाख, 15,75,000, 9,160 समथिंग आ गया कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। और सिर्फ कंसोलिडेटेड आपसे क्या पूछा, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है ना, तो यहाँ से रिजर्व्स को अलग कर दो। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, अच्छे से समझना, आपसे क्वेश्चन मांग रहा है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, इसका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना, 15,75,000 है। लिमिटेड का खुद का पीएल का बैलेंस कितना है, 15,75,000। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस उसका खुद का है 15,75,000, जिस दिन वो नोट्स टू अकाउंट्स बनाएगा उसमें अपना प्रॉफिट तो लिखेगा, प्लस रेवेन्यू प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी से कितना रिसीव हो रहा है, अभी निकलना 15,85,500 बोल के कुछ, अरे करंट रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है ये, उसका 70% कितना, 15,85,500, बस यही तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, 316,0500। अब पूछता कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, यदि ऐसे पूछता कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, तो अपन क्या करते, 316,0500 प्लस ये जनरल रिजर्व जो है 60 लाख का, वो भी ऐड हो जाएगा, तो 60 लाख ये भी ऐड हो जाएगा, जनरल रिजर्व भी, तो ये आ गया रिजर्व्स एंड सरप्लस। इतना चीज किया इतना सा एरिया में, कचर पचर है, आराम से रुको, क्योंकि वो तो करंट ईयर में अर्न किया होगा ना, ये देखो हमको रेवेन्यू प्रॉफिट चाहिए, बिना अर्निंग के जनरल रिजर्व बना कैसे होगा, वो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जनरल रिजर्व में उसने दिखा रखा है, बट हमने तो करंट ईयर का प्रॉफिट उठाया है और करंट ईयर का प्रॉफिट ही तो ये है, वो तो क्यू लिमिटेड खुद बोल रहा है कि मेरा इतना पीएल में दिखा रहा हूँ, इतना जनरल रिजर्व, मुझे क्या लेना देना है। एज ए होल्डिंग कंपनी क्यू लिमिटेड ने कितना अर्न किया है पूरे साल, 2 साल में इतना पैसा कमाया है ना, तो इसका 70% हमारे बुक्स में एज ए प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस बोल दो या फिर शेयर इन रिजर्व एंड सरप्लस बोल दो। अब रहा प्रेजेंटेशन का बात, तो देखो
अब आराम से आप प्रेजेंटेशन उतार सकते हो। डाउट है तो बताना, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। बोनस शेयर से आपका नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होगा या नहीं होगा? नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बोनस शेयर से जब आप लोग निकालोगे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग तो वही रहेगा 70 और 30%, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में इम्पैक्ट आएगा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या इम्पैक्ट आएगा मुझे ये बताओ। ये निकाला था ना नेट एसेट्स एक्वायर्ड गुडविल कैपिटल रिजर्व। अब देखो आपको क्या मिलेगा, शेयर कैपिटल का हिस्सा कितना मिलेगा, ज्यादा हो जाएगा ना आपका। आपका नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो रहा है ना, तो शेयर कैपिटल में हिस्सा भी तो इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स हमने निकाला था ना अलग से, कितना नंबर ऑफ बोनस शेयर्स अपन दे रहे हैं 75,000, उसमें से 70% किसको मिलेगा, होल्डिंग कंपनी को, और 30% माइनॉरिटी को मिलेगा ना। तो 75,000 का 70% यानी 52,500 ये एक्स्ट्रा शेयर्स मिल गए, और पहले से 1,50,000 का 70% कितना था, 1,00,000। नंबर ऑफ शेयर्स बाबा कितना, तो अब तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, शेयर कैपिटल हो गया तुम्हारा 1,57,500 इंक्लूडिंग बोनस। अरे 1,05,000 तो तुमने खरीदा ही था, प्लस बोनस भी तो मिल गया तुमको। एंड बोनस हमेशा क्या होता है, चाहे कभी भी मिलो ना, एक चीज यहाँ पॉइंट ध्यान में रखना, बोनस कभी भी मिलो, जब आप AS20 अर्निंग पर शेयर पढ़ लोगे, ठीक है। अभी तक आपने AS20 EPS पढ़ा नहीं है। बोनस के अंदर क्या होता है, हम लोग दो चीज करते हैं, एक होता है अर्निंग पर शेयर, एक होता है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, बेसिक अर्निंग पर शेयर, ठीक है, और एक होता है डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर। तो जब जब आप बोनस इशू करते हो ना, इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड कि जिस दिन आपने एक्वेशन के अंदर, जिस दिन आपके पास शेयर है ना, पीछे से आपको कंसिडर करना पड़ेगा बोनस, क्योंकि आपके पास बोनस मिला क्योंकि आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, इसीलिए बोनस मिल रहा है ना। तो आपको निकालना है कि इन्वेस्टमेंट करने से आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ, राइट। तो यहाँ पे 1,05,000 शेयर्स आपने इन्वेस्ट किया था, उसके बदले में ही तो आपको बोनस शेयर्स मिला है ना। कितने नंबर ऑफ शेयर्स अभी आपने बताया था ना 75,000 का 70%, इतने नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, तो ये शेयर कैपिटल का हिस्सा मिलेगा, प्लस प्री एक्विजिशन प्रिजर्व्स एंड सरप्लस का हिस्सा, वो तो पहले जितना था उतना ही रहेगा। प्री एक्विजिशन प्रिजर्व्स एंड सरप्लस वो तो कितना, 15,90,000 में से कितना मिला था तुमको,
तो तुम्हारे पास में तो बोनस दे कहां से रहा है तू? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से दे रहा है ना? यहाँ पे देखो लिखा था ना बोनस अपन कहां से दे रहा है, इट वाज गिवन आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट यूजिंग जनरल रिजर्व। ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब अपना बस क्या होने वाला है कि पहले कितना था कैपिटल का बात तो खत्म हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना था 90,000। मेरा प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस तो 60+30 90 है, तो यहाँ का 90,000 का 70% मिलेगा 63,000। ये मेरा क्या है, नेट एसेट एक्वायर्ड है। इसमें डाउट है तो पहले ये बोलो, अरे सिर्फ प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस था कितना पहला पैराग्राफ 30+60 90,000 नहीं था क्या? तो 90,000 का तुम्हारा हो गया 90,000 का 70% ही तो प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस होगा। इतना नेट एसेट एक्वायर्ड है, दैट इज आई कैन से 16,38,000 का नेट एसेट एक्वायर्ड है। वो तो नंबर ऑफ शेयर्स है 157,500 मल्टीप्लाई बाय 10 फेस वैल्यू से तो करना पड़ेगा तभी तो रुपीस पता चलेगा। 16,38,000 इज द नेट एसेट एक्वायर्ड बोनस इशू कंसीडर करने के बाद, राइट? तो मेरा 16,38,000 का नेट एसेट एक्वायर्ड हुआ है by investment of rupees 12 lakh। So बताइए क्या हुआ फायदा? कैपिटल रिजर्व आया या नहीं आया? ये पहले कर चुके थे तुम? कैपिटल रिजर्व वाला पॉइंट समझ में आया? अब तुम्हारा मुझे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो समझ में आ गया ना क्यों बदला, क्योंकि मेरे शेयर कैपिटल ही बदल गया बोनस इशू के बाद, तो शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे ना, दो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो मेरा उतना ही रहेगा, इसीलिए मेरा क्या हुआ गुडविल से हम लोग कैपिटल रिजर्व में आ गए। पहले हम लोग को ऐसे लग रहा कि हमने एक्स्ट्रा पे किया, बट देखा कि फायदा हो रहा है तो हमने क्या किया है, पता चल गया कि हमारा कैपिटल रिजर्व है। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी को क्या क्या मिलता है एक बार बोलना मेरे को, शेयर कैपिटल का हिस्सा, प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा। तो अब मुझे बताओ कंपनी का शेयर कैपिटल कितना हो चुका है, 150,000 शेयर्स थे, राइट? बोनस इशू कर दिया 75,000, तो 225,000 शेयर हुए, उसका 30% माइनॉरिटी के पास है, That is 67,500 multiplied by face value 6,75,000 का तो share capital मिलेगा उसे। Pre-acquisition reserves and surplus कितना है?
कितना बार दिखना पड़ता है? 90,000। अभी तो किया था 90,000 का 70%। तो 90,000 का 30% कितना? 17,000, 27,000, 27,000 मिलेगा माइनॉरिटी को। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस बताओ मेरे को। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस क्या बता रहा है तुम? ये 835,500 क्या है? पोस्ट रिजर्व एंड सरप्लस 22,65,000 माइनस 7,50,000 15,15,000। अब एक बात बताओ, हमने अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट प्रॉफिट निकाला था। अब बोल रहा है क्वेश्चन यहीं से आप लोग को क्या देना है? बोनस देना है, तो यहीं से तो माइनस होगा ना। और बोनस दे कितने रहे हो? 7,50,000 रुपए का। तो 22,65,000 माइनस 7,50,000 करेंगे तो क्या होगा? उतना बचेगा, उसका 30% माइनॉरिटी को मिलेगा ना। तो बता दो माइनॉरिटी होल्डिंग्स कितना है? वो तो पोस्ट हो गया, प्री का 27 और कैपिटल का हिस्सा, ये तीनों ऐड करोगे तभी तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकलेगा। सब कुछ क्या? सब कुछ भी कहां तक किया? सब ये हमें दिखाए। करेक्ट, माइनॉरिटी को सब मिलता है, प्री भी मिलता है, पोस्ट भी मिलता है, कैपिटल भी मिलता है, तीनों चीज मिलता है। उसका कोई कैपिटल और रेवेन्यू बोल के हम लोग अलग अलग नहीं करते। हुआ फिर से पूरा करने के बाद क्वेश्चन फिर से पढ़ो पूरा, ठीक है? प्रोसेस करो और देखो कि जो किया वो समझ में आया या नहीं आया। एंड अभी क्या करोगे पता है? आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक हो गया ना, पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से गो थ्रू करो, कंसेप्ट बिल्डअप करो, किसमें क्या करते थे, कौन से क्वेश्चन में क्या किया, क्या प्रोसेस होता है, बैलेंस शीट क्या बनता है, वर्किंग नोट्स में क्या बनाना है, सारा चीज देखो, कंसेप्ट को वापस रिवाइज करो, उसके बाद ही कुछ आगे चल सकते हैं, ये ध्यान रखना। आओ, अब देखो ये तो था, अभी तक क्या क्या किया?
हाँ सीखेगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। आज तो सिर्फ बोनस इश्यू सीखा है हम लोगों ने। दो ही तो बजा है, स्टार्ट 11:30 हुआ था, 2.5 घंटा हुआ है। हाँ कभी कभी तो मौका मिलता है पढ़ने का। आओ देखो ट्रीटमेंट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को सेल करता है और होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को सेल करेगा, तो उस कंडीशन में क्या करना है। ठीक है, सिर्फ इतना सा लिख के रखो। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो अपने को सीखना है, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन और म्यूचुअल ओइंग्स कैंसलेशन। तो ये दो लिख के रखो, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले अपन इसका इसी से स्टार्ट करेगा समझना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। आ गया मैजिक लाइट, मैजिक लाइट से एग्जिट करेंगे आज। Thank you.